अरुणाचल प्रदेश से आप आए हुए हैं और दो दिन से रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन चल रहा है, कहीं कोई सुनवाई हुई मोदी सरकार में, कुछ पता लिया आपका? मोदी जी तो बीमार है, मैंने कल ही बोल दिया था, पता नहीं अस्पताल गए होंगे कान का इलाज करवाने के लिए, अभी तक तो पहुंचे नहीं है। खैर, मुझे उनकी सेहत की बड़ी चिंता है कि मैं दुआ करती हूँ वो जल्दी ठीक हो जाए और उनका कान ठीक हो जाए, आंख ठीक हो जाए, तो उनका जुबान भी, मुंह भी, गला भी ठीक हो जाए, तो फिर वो कुछ बोलेंगे, कुछ वो खबर लेंगे। अभी तक तो कुछ खबर लिया नहीं है। फिर भी शुक्रिया आप सबका, दोबारा यहाँ फिर से मिल रहे हैं। तो आज हमारा दूसरा दिन था और धरना हम कर रहे हैं, कल से लगे हुए हैं। अब हम सेकेंड हाफ में, ये जो हमने लास्ट टाइम जो मेमोरेंडम हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ये जो चार जितने हमारे महान दिग्गज देश के कर्ता धर्ता हमारे, जिसको हम देश के देवी देवता मानते हैं, उन चारों को हमने ये ज्ञापन सौंपा था जंतर मंतर से। तो अब इस पर हम रिमाइंडर ज्ञापन आज हम फिर अभी सौंपने जा रहे हैं। नाम बता दीजिए। ये एक, ये है प्राइम मिनिस्टर के लिए, ये प्राइम मिनिस्टर का कॉपी है और ये है नेशनल प्रेसिडेंट बीजेपी श्रीमान जेपी नड्डा जी के लिए। हम ऑलरेडी उनको ज्ञापन सौंप चुके हैं, फिर भी आज दोबारा रिमाइंडर ज्ञापन देने जा रहे हैं। ये ऑनरेबल सियोमक प्रेसिडेंट, ये ऑनरेबल ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ये है, और ये नेशनल सेक्रेटरी। आप पिछले 5 महीने से दिल्ली में भ्रष्टाचार के विरोध में मांग उठा रहे, क्या लगा? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए ये कवर बन रहा है अभी, और ये मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस अपना प्यारा एकलौता किरण रिजिजू जी, जो कि अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता है, लेकिन वो यहाँ दिल्ली पहुंच गए तो उनका कहना है कि अरुणाचल प्रदेश जो है कॉलोनी जैसा स्टेट है, राज्य है, जबकि दिल्ली का एक छोटा सा कॉलोनी जैसा है, और उनके पास इतना पर्याप्त समय नहीं है अरुणाचल के मुद्दे पर बात करने का, वो अरुणाचल सरकार देख लेगा। अभी जो है वो दिल्ली में आ गए हैं तो दिल्ली का गलियारा बहुत बड़ा है, इसीलिए वो दिल्ली में व्यस्त है। क्या लगता है, अरुणाचल प्रदेश जो है वो 3 सीमाओं से घिरा हुआ है, बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, उसके बाद भी एक भ्रष्टाचार के लिए आप लोग आवाज उठा रहे हैं, सरकार क्यों नहीं सुन रही है? यही तो रोना है मेरे भाई, कि हम अरुणाचल वाले ये बता रहे हैं कि ऐसे हम लोग इतना सेंसिटिव जोन में रहते हैं, कब दुश्मन आ जाए, दुश्मन देश का कब किस पे प्रहार हो जाए। अभी आपने देखा होगा पिछले महीने कैसे चीन के सिपाहियों में और भारत के सिपाहियों में सीमा में झड़प हो गई थी, ऐसे ही बहुत सारे हादसे होते रहते हैं अरुणाचल के सीमा क्षेत्र में, फिर भी अरुणाचल में जो भी कोई बंदा, जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाता है, पॉलिटिकल पार्टियां चेंज होती है बट बंदा कभी चेंज नहीं होता है। जो कांग्रेस में थे, यहाँ दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली में जिसने सरकार जिस पार्टी में बनाया उसी पार्टी में चलांग मारते हैं और वो उसी का हो जाता है, उसके बाद में वो पार्टी के जो सो कॉल, वो लोग इनके पॉलिटिकल भाषा में क्या कहते हैं, हाईकमान, ये हाईकमान जो होते हैं उनको कोई फिक्र ही नहीं रहता है, क्योंकि ग्राउंड में अरुणाचल एक छोटा राज्य है, तो ग्राउंड में जो भी उनका टीम है, जो चीफ मिनिस्टर होंगे या कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, जो भी होंगे, वो उन लोगों का मतलब एक प्रकार से उन लोगों के लिए प्रसाद कलेक्ट करने वाला ही बन जाता है। तो अरुणाचल का स्थिति ये है। अभी देखिए, आज हम रिमाइंडर ज्ञापन देने जा रहे हैं और हम अपनी आवाज यहाँ बंद नहीं करेंगे। ये लोग सोचते होंगे कि हम थक जाएंगे, हार जाएंगे, आवाज बंद कर देंगे। ऐसा नहीं लगता कि अब घर की ओर चलना चाहिए, आराम करना चाहिए, ठंड चलेंगे ना? अपनी घर की ओर हम जरूर चलेंगे और हम अपनी घर से झाड़ू लगाकर साफ सफाई करके लोगों के गांव गांव जाएंगे, हम घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, लोगों से वार्तालाप करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, हमारे अपने माता पिताओं से हम बातचीत करेंगे, जितने भी अरुणाचल में बुजुर्ग है वो हमारे माता पिता है, और जितने नवयुवक है वो हमारे बच्चे हैं, और जितने हमारे हम उम्र है वो हमारे साथी है, मित्र है, उन सबसे हम बात करेंगे और उन सबसे बात करके हम 2024 में हम अपने लिए सरकार, जनता के लिए सरकार, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, जो सरकार भ्रष्टाचार को भगाने में, जो भ्रष्टाचारी को बढ़ावा ना दे, जो भ्रष्टाचार को रोकने में हम जनताओं के लिए जो काम आए, ऐसी सरकार का गठन कीजिए बोलते मैं प्रचार पर अभी से निकल जाऊंगी। मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना नहीं, मैंने अभी अभी बताया, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो,
एक ही सिक्के के दो पहलू है ये लोग। भ्रष्टाचार भारतीय पार्टी कर रही है या फिर वहाँ का प्रशासन भ्रष्टाचार कर रहा है? हाँ जी, भ्रष्टाचार भारतीय पार्टियां कर रही या फिर वहाँ का प्रशासन में भ्रष्टाचार है? प्रशासन भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मैं पिछले 5 महीने से बता रही हूँ, हम सब बता रहे कि प्रशासन भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और प्रशासन को चलाने वाला जो पार्टी होता है वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, जो हमारा इंडिया का लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी आज के डेट में तो वर्ल्ड में गिना जाता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी में बीजेपी का नाम गिना जाता है। ये बीजेपी का अभी सरकार है, भारत में बीजेपी का सरकार है, अरुणाचल में बीजेपी का सरकार है। और हमने कहा मोदी जी से, हमने कई बार विनती की, हमने उनसे गुहार लगाए, हमने कहा कि आप अपने घर को पहले साफ कीजिए, पहले अपने घर को साफ कीजिए, फिर हम पड़ोसी के घर में जाएंगे साफ करने के लिए। स्वच्छ भारत अभियान है ना मिशन, तो स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ ये बरामदा पे झाड़ू पोछा लगाने से वो स्वच्छता नहीं होगी। मैडम आपको लगता है उनकी पार्टी से इस वजह से जांच नहीं हो रही है? अभी तो यही है बात, तो साफ है। और जो हमारे माननीय किरण रिजिजू जी है, जब हम उनसे मिलने गए थे 3 AAC ऑफिशियली, उन्होंने भी यही कहा कि मैं अपने पार्टी के सरकार के अगेंस्ट कैसे कहूं कि जांच लगाओ। मोदी जी की सरकार बीजेपी सरकार एक ऐसी है जो कार्यकर्ता होते हैं, उनके नेता होते हैं, अगर वो किसी तरीके का अपराध करते हैं तो वो उनके खिलाफ भी एक्शन लेते हैं। किसके खिलाफ लिया है अभी तक एक्शन, आप मुझे बताइए किसके खिलाफ लिया है? बीजेपी में मैंने अभी तक देखा नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के योगी जी को छोड़कर। योगी जी सिर्फ एक ऐसा नेता है जो चाहे वो किसी भी उनके पार्टी से हो या किसी भी पार्टी से हो, जो भ्रष्टाचारी करता है उसके घर पे बुलडोजर चला देता है। अरुणाचल में भी योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाह रहे? बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं हम। आएंगे किसी को, किसको आप एक्सपोज कर रहे हैं अच्छी बात है, विरोध कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन विकल्प तो चाहिए। विकल्प अभी हमारे अरुणाचल प्रदेश में कुल 15 लाख आबादी है, कुल 15 लाख आबादी में हमारे 3-4 लाख युवाएं बेरोजगार है, पढ़े लिखे है, जानकारी है उनके पास। उन युवाओं को हम अब उकसाएंगे, उन युवाओं से बोलेंगे कि नौकरी का पीछा छोड़ो और राजनीति में एक्टिव पार्टिसिपेशन करो। राजनीति शुरू करेंगे आप अरुणाचल प्रदेश? मैं राजनीति शुरू नहीं करूंगी, मैं अपने युवाओं से मैं कहूंगी, आपका पढ़ा लिखा किस काम का? सिर्फ सर्टिफिकेट में प्रिंट करके घर में रख देने से नहीं होगा ना, उसका इस्तेमाल कीजिए, अपनी विवेक का इस्तेमाल कीजिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, अपने लोगों के लिए आप योगदान दीजिए। बिल्कुल। अच्छा मैडम ये बताइए कि 2024 को लेके आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार को चेतावनी दे रहे हैं या वार्निंग? मेरी क्या मजाल भाई, मेरी क्या औकात में चेतावनी दूं या वार्निंग दूं? मैं सिर्फ अपनी बातें क्लियर कर रही हूं कि आज के बाद और मिन्नत से नहीं मांगी जाएगी। लास्ट अल्टीमेटम है आपका? जी बिल्कुल, आज के बाद और बिल्कुल हम गुहार नहीं लगाएंगे और मिन्नतें नहीं करेंगे और हम बिल्कुल गिरगिराएंगे नहीं। याचना आप नहीं लड़ होगा, संग्राम महाभीषण होगा। बिल्कुल, आप ऐसा ही मान लीजिए। धन्यवाद आप सबका।